जो भी मैं वोटर हूँ, जो गधे उठेंगे उनको मैं वोट दे दूंगा। मेरा तो सीधा सिंपल सा बात है, मेरे अनुसार थोड़े कोई उठ रहा है। 15 साल लालू यादव की सरकार देखी थी ना, बस उससे अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पिछला दौर में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। देखिए, आप देखना, जहाँ तक सवाल है कि दोनों की सरकार अच्छी थी, पर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ें नीतीश कुमार की अच्छी है। नीतीश कुमार ने काम किया है इसलिए इनका बेहतर है। नीतीश कुमार और लालू यादव खत्म, 20 साल तो लूट के खत्म कर दिया, लूट लिए तब और क्या। हमको देखिए, किसी भी का सरकार रहे, हाँ। बस हमको चाहिए टेंशन फ्री कोई आदमी रहे, हाँ। कभी पलटू राम इधर पलटते हैं, कभी पलटू राम उधर पलटते हैं, इसका यहाँ इनका कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापा आ गया, दिमाग इनका सिटिया गया। अच्छा। बिहार में तो रोजगार के हिसाब से देखिएगा तो तेजस्वी यादव से कोई बढ़िया नहीं है। तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं, नहीं। रोजगार में जो 2 साल के अंदर में वो रोजगार दे दिए, वो नीतीश कुमार के पास का बात नहीं है। वो शुरू से लालू यादव यहाँ बिहार में सबसे अच्छा किया है, नीतीश का तो कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए हैं कि अगर आप उन्हें वोट दीजिएगा तो किस तरीके से पहले लड़ाई होती थी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाई जाती थी, और हमारी जब सरकार आई तो सब कुछ को जो है वो बंद करा दिए हम, तो अगर आप उन्हें वोट दीजिएगा तो आपका ही नुकसान होगा। इसी सवाल के साथ आज हम जनता के बीच आए हैं और जानेंगे कि आखिर जो है बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किसे पसंद करते हैं, लालू यादव को या फिर नीतीश कुमार को। तो चलिए सवाल करते हैं, सबसे पहले नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम हुआ सैयद सरफराज अख्तर। अच्छा, आपके लिए बिहार में लालू की सरकार अच्छी थी या फिर नीतीश कुमार? देखिए, आप देखना, जहाँ तक सवाल है कि दोनों की सरकार अच्छी थी, पर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ें नीतीश कुमार की अच्छी है। नीतीश कुमार आज कहते हुए नजर आए हैं कि उनकी लालू यादव के सरकार में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते अब नहीं होते मेरी सरकार से, ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है कि लॉ एंड ऑर्डर और हिंदू मुस्लिम का जो मसला था जी, वो नीतीश सरकार में जो है ना थोड़ा कम हुआ है, बेहतर हुआ कंपेरिजन टू लालू। जी जी, मतलब लालू यादव भी तो कहते हैं कि वो MY समीकरण लेके चलते हैं उनके हिसाब से। नहीं, ये सब पॉलिटिकल स्टंट था, MY ये वो जी, सब जी। तो सब पॉलिटिकल स्टंट था। जी। अच्छा, ठीक है चाचा, आप नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद एजाज। नीतीश कुमार ने काम किया है जी, इसलिए इनका बेहतर है जी। और लालू भी ठीक से दंगा बहुत सारी चीज़ पर कंट्रोल किया है जी, लेकिन काम नहीं कुछ किया, काम नहीं किए। लेकिन नीतीश कुमार आज कहते हुए नजर आए हैं कि उनके सरकार में हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े करते थे और अब नहीं करते हैं, बात सच है? ना, ये तो नहीं है ऐसा जी। काम सिर्फ लालू किए नहीं है, 15 साल वैसे ही टाइम पास कर गया, हम लोग का एज एक्सपायर कर गया, लेकिन अब उनके बेटा जो तेजस्वी आए हैं अब इनका थोड़ा रुझान अलग हुआ है। लगातार कहना है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार तेजस्वी काम नहीं किए। ना, वो अभी नए ब्लड हैं, अब उनको जो है सो युवा है, हाँ, वो अब बेहतर करना चाह रहे हैं। अच्छा, बात बताइएगा एक चाचा कि आपके लिए बिहार में लालू यादव की सरकार बेहतर है या नीतीश कुमार? किसी की नहीं। नाराज है क्या आप? नो कमेंट्स, कोई बात नहीं। नाम बताइएगा आप अपना। गिरिजा राउत। नीतीश कुमार। और लालू यादव खत्म, 20 साल तो लूट के खत्म कर दिया, लूट लिए तब और क्या। नाम बताइएगा चाचा। एमी हक। दोनों में जो काम अच्छे करेंगे वही अच्छे हैं। नीतीश कुमार तो पलटू राम हो गए हैं। है। नीतीश कुमार तो बोले हैं कि हम जब सत्ता में आए तो हिंदू मुस्लिम राइट्स को खत्म किए, बात सच है? हिंदू मुस्लिम पर ये तो शुरू की है मोदी जी। मोदी जी कहते हैं कि मंगल सूत्र मुसलमान हिंदुओं का मुसलमान को बेच के पैसा मुसलमान को दिया जाएगा जी। क्या मुसलमान या हिंदू मंगल सूत्र का पैसा खाएगा? इसका जवाब दे। सबसे पहले तो नाम बता दीजिएगा। नाम है नागेंद्र। अच्छा, बिहार में आपके लिए किसकी सरकार बेहतर है, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार? लालू यादव। काहे? सुपर एंड डुपर है। सुपर एंड डुपर बता रहे हैं आप, कैसे? थोड़ा काम वाम बताइए ना हमको। काम सब ठीक है, सारा
काम ठीक है। नीतीश कुमार तू भी ठीक है, थोड़ा सा गलती किया हूँ। क्या गलती की है? पलटी मार के गलती किए हैं, बाकी सब ठीक था। उनका कहना है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार मतलब नीतीश तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मतलब 17 महीना में वो काम दे दिए। युवा ना है, काम देवे करेगा। अच्छा, बाकी सब देख लिया आदमी किए दिए, मोदी जी बोले भी कि नहीं दिए। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है केंद्र का मिजाज क्या है? आए? केंद्र में क्या मिजाज है इस बार? तो समय बताएंगे, आप इसके लिए बताएंगे। अभी नहीं बताइएगा? अभी कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइएगा। अहमर। अच्छा, आपके लिए कौन सी सरकार बेहतर है, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार? मुझे लगता है कि कांग्रेस बेहतर रहेगी। जी जी। बिहार की अगर बात करें तो? बिहार में बात किया जाए तो देखिए, नीतीश कुमार अच्छे सीएम हैं, शर्त क्या है कि वो बूढ़े हो गए हैं। जी जी। तो उनका फ्यूचर क्या है, 72-73 साल के हैं, तो आने वाले जनरेशन में कौन लीडर होगा बिहार का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो उस नज़र में तो मुझे कोई लीडर दिखता नहीं है। यंग जनरेशन में कोई लीडर नहीं दिखता है? मुझे काफी लोग हैं, चिराग हैं, तेजस्वी हैं, सभी लोग हैं। मुझे नहीं लगते हैं, जो मेरे को, मेरा अपना राय है कि कोई मुझे वो कैपेबल नहीं लगते हैं कि नीतीश जी के जाने रिप्लेस करने के बाद कोई नया युवा है रिप्लेस करे। हटाते हैं तो किसको बैठाएंगे? ये कोई ये भी बताया नहीं जा सकता है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि नीतीश जी भी बूढ़े हैं, उनका कोई ये नहीं, उनके बाद कौन लीड करेगा कुछ समझ में नहीं आता है। बताइएगा दोनों के सरकार में बेहतर कौन थी, मतलब लालू यादव? बात वो नहीं है, सब चीज़ जो है वो रिलेटिव है। आप बेहतर कि नहीं बेहतर वो बता नहीं सकते हैं। ग्रोथ रेट देख लें आप, बिहार का आज भी हिंदुस्तान में सबसे नीचे दर्जे पर आता है बिहार का, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप डाटा देखेंगे यूएन का, जिसका भी, तो बिहार हमेशा पीछे है। तो आप कैसे मिलाएंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? हम सिर्फ बिहार को बिहार से नहीं मिला सकते ना, 20 साल पहले बिहार कैसा था? हम बिहार और गुजरात से मिलाएंगे, महाराष्ट्र से मिलाएंगे, पंजाब से मिलाएंगे, तो बिहार तो अभी भी पीछे है। चाहे जो भी रहा, नीतीश जी अच्छा काम किए हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 साल पहले जैसा बिहार था आज वैसा नहीं है। सही बात है, लेकिन जिस रेट से बढ़ा है तो दूसरे स्टेट तो और आगे बढ़ गए ना, गुजरात तो बहुत आगे चला गया। आज भी जॉब करने के लिए बाहर ही जाना है, हिंदुस्तान में आप बेंगलोर जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बिहार में क्या है, कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करेंगे या कोई वैसा स्कोप नहीं है, लेबर माइग्रेट कर ही रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ किसी भी डेवलपमेंट का सबसे पहला हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद देखिए ना, इंडस्ट्री है, आगे की चीज़ें आईटी है। आईटी सेक्टर यहाँ डेवलप नहीं किया, आप देख ले, हैदराबाद डेवलप कर गया, पुणे डेवलप कर गया, पटना क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? पटना से इतने इंजीनियर माइग्रेट कर गए बेंगलोर, यहाँ क्यों नहीं आईटी डेवलप हुआ है? ठीक है, हाईवे बन गए, इनिशियल पार्ट है, किसी भी डेवलपमेंट का पहला हिस्सा है इंफ्रा डेवलपमेंट जो हो गया। अगला स्टेप वो कौन करेगा? नीतीश जी भी अच्छा किए हैं, मगर अब नीतीश जी कब तक करेंगे? इतना साल सरकार, कोई ना कोई दूसरा लीडर तो बनना ही है। ठीक है, मेरा नाम रजीत जी है। हमको देखिए, किसी भी का सरकार रहे, बस हमको चाहिए टेंशन फ्री कोई आदमी रहे, चाहे लालू यादव रहे, चाहे नीतीश कुमार जी रहे। अच्छा, कौन रहेगा तो टेंशन फ्री रहेगा? तेजस्वी यादव रहेंगे तो टेंशन फ्री। किस बात को? इनका कोई गारंटी नहीं है। कभी पलटूराम इधर पलटते हैं, कभी पलटूराम उधर पलटते हैं, इसका इनका कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापा आ गया, दिमाग इनका सटिया गया। अच्छा। चाहे कोई रहे, नीतीश कुमार है, चाहे नरेंद्र मोदी रहे, इनका कोई काम का आदमी है नहीं। वोट उसी का दीजिए जो आदमी काम करे, अलग आदमी वोट देने से क्या फायदा, बर्बाद करने से। चाहे कोई भी रहे, हम रहे, आप रहे, आप ही वोट दीजिएगा, किसी भी काम आदमी करेगा तब हो गया, बात खत्म यहीं पर। नाम बताइएगा चाचा। हम बतावे से कहो तो बीगन सिंह कौन बढ़िया है? हमारा का कहा भाई, आपके हिसाब से कौन बढ़िया? नीतीश बाबू बढ़िया है, काम किए हैं? यह नहीं, काम 10 राउंड सरकार बना है। अच्छा, तो बिना काम किए हुए 10 राउंड बना है सरकार। जी जी। नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम हो गया इमाम हैदर। आप लोगों के लिए किसकी सरकार बेहतर है, लालू यादव की सरकार बेहतर थी या नीतीश कुमार की? देखिए, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, जिसकी चॉइस जो भी आ जाए बेहतर है, हम लोग के लिए सब अच्छा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जब उनकी सरकार आई तो हिंदू मुस्लिम राइट्स जो होते थे, लड़ाई झगड़े, वो कम हो गए, ऐसा है क्या?
हाँ ये बात तो है, कुछ सुधार हुआ था। सुधार हुआ था। हाँ सुधार है, बहुत सुधार है। तो आप इसी में बता दीजिए कि कौन बेहतर है दोनों में। जो सब अच्छा हमारे लिए, जो आ जाए सब अच्छा है, सब बराबर। जी जी सब बराबर। चलिए नाम बताइएगा चाचा। नाम हमारा मोहम्मद सलीम। आपके लिए किसकी सरकार बेहतर है, लालू यादव की बेहतर थी या नीतीश कुमार? गठबंधन की सरकार। महागठबंधन? कोई सरकार नहीं। कोई सरकार नहीं, नहीं सब जुमलाबाजी वाली सरकार थी। अच्छा चाचा, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम जब आए तो लड़ाई झगड़ा कम कर, सब तो फिर काहे घुस जाते हैं, सब यही गलत ना है। गलत है, रहेंगे एक ही जगह रहेंगे, अपना इज्जत को अपने बचावेंगे, हर चीज को बचाएंगे, तब तब कभी उधर कभी उधर। तो जनता जनता बुड़बक है, नाचता रहे जिन नाचे उन्हें नाचता रहे, नहीं नाचेगी जनता। हम नहीं, अब नाचने वाले समय नहीं है। तो अपने बिहार में कौन बेहतर? बस महागठबंधन लालू यादव। महागठबंधन एकदम इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे, नाम बताइएगा अपना। प्रेम यादव, लालू यादव का। कैसे लालू यादव की बेहतर? लालू यादव के भी बेहतर होगा। नीतीश कुमार का है बेहतर नहीं? वो तो झूठ मूठ के शराब बंदी करके, शराब तो बिकी रहा है, शराब आज हर घर झोपड़ी में जाके देखे, हर जगह दारू मिल रहा है। अच्छा नीतीश कुमार बोले हैं कि हम सब कुछ सही कर दिए, लड़ाई झगड़ा कम हो गया। कुछ नहीं सही है, कुछ सही नहीं है। नहीं तो बेहतर वही लालू यादव वाला ही था। हाँ लालू यादव के लिए। कैसे लालू यादव? बहुत अच्छे आदमी हो, कैसे बोले। नीतीश कुमार की का है खराब? खराब किसी को नहीं बोलते हैं। तो बेहतर आप लालू यादव को बोल रहे हैं? हम लालू का फैन है, आगे बोलिए। लालू के आप फैन है? जी। किस तरीके से आप फैन है, कि मतलब कौन सा काम उनका अच्छा लगा कि आप उनके फैन हो? ये हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं बहुत अच्छे काम करके कर चुके हैं। लेकिन अब आप युवा है ना, आप अपने स्तर से सोचेंगे कि किसकी बेहतर है? जो गार्जियन बोले वही ना बोलेगा, लालू प्रसाद को मानते तो मानते हैं, इसमें क्या तो गार्जियन बोलेंगे वही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार में कमी क्या है? हम किसी को काहे कमी काहे बोलेंगे। अच्छा जो नजर में अच्छा तो अच्छा बोलेंगे, किसी को हम गलत काहे कहेंगे। अच्छा ठीक है जी। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, नाम बताइएगा। अभिषेक सिंह। 15 साल लालू यादव की सरकार देखी थी ना। जी जी। बस उससे अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब पिछला दौर में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। जी जी। दुनिया चांद पे जा रहा है, उसके आगे जाने की जरूरत है। तो अब अभी के लिए और अब आगे के लिए कौन बेहतर होगा? आगे के लिए आने वाले समय में नए चेहरे आएंगे। जी जी। अभी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। अच्छा। और जी जी। केंद्र में और राज्य में दोनों की सरकार रहेगी तो विकास और मजबूती से होगा। जी आप बताइएगा। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्र में जिसका दबदबा है, जिसका विकास हो रहा है, जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो बेहतर सरकार है, हम लोग वो देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बिहार में लालू यादव होना चाहिए या नीतीश कुमार, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का वहाँ पे सेंट्रल में वो गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिहार का भी तो डेवलपमेंट जरूरी है ना। देखिए जब ये गवर्नमेंट साथ में है, जब सेंट्रल उसका सपोर्ट है, वो बिहार में भी उनके साथ है, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होना ही होना है, 200% होना है, क्योंकि जनता उनके साथ है। चलिए ठीक है, नाम बताइएगा। रुपेश सिंह। बिहार में तो रोजगार के हिसाब से देखिएगा तो तेजस्वी यादव से कोई बढ़िया नहीं है। तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं? नहीं, रोजगार में जो 2 साल के अंदर में वो रोजगार दे दिए, वो नीतीश कुमार के पास का बात नहीं है। अच्छा नीतीश कुमार तो कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तेजस्वी के सरकार में हुआ। अच्छा। उसके पहले नहीं, बहाली ही नहीं आता तो हम क्या कर सकते थे। अभी केंद्र में कितना बहाली आ रहा है, सबसे मुद्दा धर्म विकास नहीं, धर्म नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, विकास चाहिए, महंगाई चाहिए, यही चाहिए बस। हाँ महंगाई कंट्रोल हो और रोजगार बढ़े। अच्छा। रोजगार मेन मुद्दा चाहिए। अच्छा। क्योंकि मीडियम वर्ग के लिए रोजगार ही सबसे बड़ा चीज होता है। जी जी। इम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो किसको कहते हैं? अभी इतना सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है ये इम्प्लॉयमेंट ही हो रहा है ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, एम्स बन रहा है, तो ये क्या इम्प्लॉयमेंट ही हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे मैन पावर लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार तो बढ़ ही रहा है। अभी पिछले 10 साल में 91 करोड़ इम्प्लॉयमेंट हुआ है, जो लगभग हर साल 5 करोड़ का रेशियो है। अगर आप जाके देखेंगे इम्प्लॉयमेंट, गूगल में करेंगे इम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप कितना रोजगार खोज रहे हैं? रोजगार का मतलब ये तो नहीं है कि हम गवर्नमेंट सर्विस में ही होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस एक लिमिटेड है। अगर मान लेते हैं 140 करोड़ की आबादी है तो सबको तो गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा नहीं।
तो उसमें भी एक कदा मतलब एक परसेंटेज है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि खुद रोजगार पैदा कीजिए। बहुत सारा स्टार्टअप चलाया है मोदी जी ने, आप उस हाँ उसको स्टार्टअप को स्टार्ट कीजिए। देखिए आज उस स्टार्टअप के कारण कितना रोजगार डेवलप हो रहा है, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप एक स्टार्टअप से 10-10 लोग को एक रोजगार दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट रोजगार को हम लोग गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे या ना प्राइवेट को मानेंगे, खुद में रोजगार डेवलप कीजिए। चलिए ठीक है, लालू यादव कैसे? लालू यादव क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर है, या वो शुरू से लालू यादव यहाँ बिहार में सबसे अच्छा किए हैं, नीतीश का तो कोई भरोसा नहीं। नाम क्या हुआ, चाय बनाते हैं आप? नाम अशोक प्रसाद, नीतीश कुमार। लालू यादव की बढ़िया नहीं थी? तो नीतीश कुमार को किस हिसाब से आप बढ़िया बोल रहे हैं, किस पैमाने पे? पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, इस सब के हिसाब से सारा काम हो रहा है इस हिसाब से। नीतीश कुमार है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कैसे अच्छा बोल रहे हैं, कोई काम हम बताइए? लाइन के काम ठीक किया है, लाइन का काम ठीक किए हैं, और वो स्कूल विस्कूल के काम किया है ठीक, अच्छा काम, बच्चा सब पढ़ाया है। अच्छा, और लालू यादव क्या किए? हमको देख से तो कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम ब्रिजकिशोर लाल है। इसकी लालू की अच्छी थी या लालू को डुबाया उसके परिवार जनों ने? जी और नीतीश बाबू को दारू ने डुबाया, बाकी तो बात और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम काम किए, लड़ाई झगड़ा कम करवा दिए सारा काम। लड़ाई झगड़ा तो भाई सेंट्रल से कम है, उसका दिक्कत है, कहीं कहीं बम नहीं पटका रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार के लिए कौन बेहतर होगा? बेहतर कौन होगा ये तो भगवान जाने, हम तो नहीं जानते हैं। आप वोटर हैं? जो भी मैं वोटर हूँ, जो गधे उठेंगे उनको मैं वोट दे दूंगा। मेरा तो सीधा सिंपल सा बात है, मेरे अनुसार थोड़े कोई उठ रहा है। आपको मर्जी होता है, आप किसी में जाके पार्टी में मिल जाते हैं तो वोट देना ना देना बराबर है, फिर भी मैं वोट दे देता हूँ, हो गया काम खत्म। नीतीश कुमार से आप बहुत नाराज? नीतीश कुमार से क्यों नाराज रहेंगे, ना आपसे नाराज हैं, वो भी गले मिलेंगे, उनसे ही मिलेंगे, आप भी मिलिएगा, आपसे ही मिलूंगा। अच्छा जी, दिक्कत क्या है हमको, है रहना तो इसी धरती पर है, इसी पटना में रहना, तो बैर किस बात का? अभी नीतीश बाबू से बैर लूंगा, लालू जी से बैर लूंगा, यही मेरा काम थोड़े है। मेरा तो बैर लेना काम नहीं है जी। बोलिए, लगता है कि इस बार केंद्र में कुछ बदलाव होगा? पता नहीं, हमको तो नहीं लगता है। नहीं होगा? हमको तो नहीं लगता है, एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। एक तो भगवान है नहीं ना, अल्लाह है कि जो हम बता दें कि एकदम नहीं होगा, परफेक्ट वही बोलेंगे, ठीक है। हम तो नहीं बोल सकते हैं। मेरा नाम रीता देवी है। अच्छा, कौन बेहतर है, लालू यादव बढ़िया है कि नीतीश कुमार? जो अभी है वही बेहतर है। अभी तो नीतीश कुमार है। हाँ, तो वही बेहतर है, वही बेहतर है। चलिए ठीक, तो आपने जनता के राय को जाना, जनता ने खुलकर कैमरे पे बताया है कि आखिर किसकी सरकार बेहतर थी, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार, सब कुछ का जवाब जनता ने दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।